राजनांदगांव शहर में कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाई जा रही हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के समापन अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम पहुंचे। समापन यात्रा की शुरुआत मां शीतला के मंदिर से पूजा अर्चना कर की। चिले में राहुल गांधी के संदेश और केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा शुरू की गई थी, जिसका समापन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम द्वारा जयस्तंभ चौक पर किया गया। इस अवसर पर उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी 75+ का टारगेट लेकर चल रही है। साथ ही उन्होंने इस बार राजनांदगांव विधानसभा व लोकसभा सीट पर कांग्रेस के जीतने का दावा किया। इस यात्रा में महापौर हेमा देशमुख, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा व राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। राजनांदगांव में समापन हो रहा है। हम लोग हर जिला मुख्यालय में जो 2 महीने तक पदयात्राएं चली है उसका समापन करने आए हैं। इन 2 महीने में माननीय राहुल गांधी जी का जो संदेश है, देश में एकता, देश में भाईचारा, देश में सामाजिक सौहार्द कैसे बनी रहे, उन्हीं मुद्दों को लेकर, और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार की उपलब्धियों नीतियों को जन जन तक कैसे पहुंचाना है, इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य था। आज हम लोग आए हैं और इस पदयात्रा में शामिल होंगे और आज समापन भी होगा। डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री को घोषणा भी कहा है, क्या कहेंगे? 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे। मैं पूछना चाहता हूं, 2003 में प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके घोषणा पत्र था हम सरकार में आएंगे, भाजपा का कहना साफ हर किसान का कर्जा माफ। 15 साल सरकार में रहे, 1 रुपया किसी का कर्ज माफ नहीं किया। उन्होंने 12वीं पास पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देने से बेरोजगारी भत्ता देंगे, क्या 15 सालों में बेरोजगारी भत्ता दिया क्या? उन्होंने 2100 रुपये धान का समर्थन मूल्य, 300 रुपये बोनस देने की बात की, क्या डॉक्टर रमन सिंह जी उन्होंने किया क्या? हम 36 वादों के साथ छत्तीसगढ़ की महान जनता के पास गए थे, 36 वादों में लगभग हमारी 32 वादे पूरे हुए हैं। 2023 में फिर से छत्तीसगढ़ की महान जनता कांग्रेस की चुनेगी, हमारी सरकार जो कहती है वो वादा पूरा करती है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।